अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, फाइनली आज इतने दिनों बाद जाके आखिरकार हमारा जो ये वाली जगह हमने तैयार करनी थी अपने जो है ब्लैकू के लिए और आने वाले एक और कोई भी मेहमान या फिर जितने भी आएंगे उनके लिए ये जगह तैयार करनी थी, तो उसका काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, तो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे एक दीवार खड़ी होगी, तो फाइनली दोस्तों आज वो खड़ी हो रही है और मजदूर भाई जो हैं वो भी आ गए हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ गए भाई, वो पता नहीं कोई काम कर रहे हैं अभी भाई वहाँ पर। तो मजदूर भाई आ गए, उन्होंने सारा सामान ला के रख दिया है। ये आ गई हमारी सीमेंट और बाकी ये आ गई हैं दोस्तों ईंटें, जो कि भाई अभी अभी रख कर गए सारी की सारी। खैर से ये दीवार मैं आप लोगों को बताता चलूँ यार, वहाँ से यहाँ तक खड़ी होगी इस दीवार की सीध में, ताकि यहाँ पे जो है पूरे का पूरा ये फिक्स हो जाए और बीच में जो है इस तरफ हम एक गेट लगा देंगे, ताकि ये जगह जो है हमारी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ब्लैकू और कोई भी जो हम आगे आने वाले वक्त में एनिमल्स कोई भी लाएंगे अच्छा सा, तो यहाँ पे सुकून से रह सकेगा। फिर से यार जब तक मजदूर भाई काम कर रहे हैं, हम जो है वो अपने सेटअप को दाना पानी कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है हमारे ब्लैकू के घर का। अभी फ़िलहाल इतनी दीवार खड़ी हो चुकी है, तकरीबन 3 पिलर की जो है वो दीवार खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे जो है पिलर खड़ा कराया है, ताकि यार जो हम गेट लगवाएंगे ना वो मज़बूत रहे, इस पिलर से ही जुड़ के बनेगा। मुझे तो इतना पता भी नहीं था, वो तो मज़दूर भाई आए उन्होंने बताया। बाकी मज़दूर भाई काम जो है वो लग के कर रहे हैं और ये पूरी दीवार अब से थोड़ी देर में पूरी खड़ी ये कर देंगे। माल जो है दोस्तों वो ये बना हुआ और बाकी वो जो है चाचा वो पानी दे रहे हैं बाकी ईंटों को। खैर से दोस्तों अब से थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बाकी मुझे जो है वो फुरकान को दिखाना है ये, क्योंकि फुरकान को बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या काम होना था और आज ही होना था। वो ज़रूर मेरे पे गुस्सा तो होगा कि यार तुमने बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था, अचानक पता चला क्योंकि भाई ने जो है रात में मुझे बताया था और मेरे दिमाग से निकल गया, तो अभी मुझे जाके याद आया जब 1:30 बजे ही आए मजदूर भाई। कैसे यार ये पूरी खड़ी हो जाती है, फिर मैं आप लोगों से शाम में मिलता हूँ और फुरकान को जो है सरप्राइज़ देते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा। बाकी कुछ भी नहीं, हैरान तो हो जाएगा और बोलेगा कि यार तुमने काम कब में करा लिया। तो आप लोगों से मुलाकात होती है अब शाम में। तो यार फुरकान आ चुका है दोस्तों और खैर से वो बाहर खड़ा हुआ है, तो उसको अंदर लाने से पहले ना मैं ये चीज़ दिखा दूँ आपको कि हमने जो है वो अपनी बाउंड्री का काम भी करा लिया। ये देखिए, ये जो टूट रहा था ना पूरी जगह है, हल्के हल्के खड्डे हुए हुए थे, ये सारे के सारे सेट करा लिए सीमेंट से, हल्का फुल्का मतलब प्लस्तर वाला प्लाई नहीं होती है वो करवा दिए। तो इससे ये होगा कि अब जो है दुम्बा हमारा सेट रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि जब तक ऊपर गेट नहीं लगेगा तब तक ये इधर ही उसको रहना पड़ेगा। तो खैर से ये हो गया। कौन बोल रहा हूँ? हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। आज तुम्हारे को एक चीज दिखानी है, यही दिखाना था। कैसा लगा? सही है? हाँ, अब दूर से कुंडी लगाओ, नहीं तो यहाँ पे अगर पाँव छप गए ना तो अपने लिए फिर से मसला हो जाएगा हमारे लिए। खैर से यार सेटअप पे चलते हैं और तुम्हारे को एक चीज दिखाता हूँ आप। हाँ तो दोस्तों हम भाई सेटअप पर आ गए हैं और फुरकान जो है वो भी आ गया है। खैर से अभी फुरकान उछल जाएगा क्योंकि फुरकान को पता ही नहीं है, ये चेक करो। कैसा सेट है ना? हो गया भाई, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैं तुम्हें बताया नहीं ना, ना बुलाया, क्योंकि सुबह में यार जल्दी जल्दी में आ गया। तुम्हें पता है कब के आए मैं? ये आए थे कोई 7 बजे। यार 7 बजे वो आ गए थे दोस्तों मजदूर भाई और उन्होंने सारी दीवार खड़ा करना शुरू कर दी। भाई उन्होंने तो ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं, बोलने बस आप काम बताओ। हमने बोला यहाँ पे दीवार है, तो उन्होंने नीचे ईंटें पड़ी हुई थी दोस्तों इस तरफ, ये सारी ईंटें कलेक्ट करी थी जो हमारे घर के पास पड़ी हुई थी, जो हमने पहले से मंगा के रखी हुई थी सारी की सारी, और ईंटें कम पड़ गई थी तो कुछ ईंटें हमने अपने पास पड़ी हुई थी वो भी उनको दे दी। बाकी ये हमारा रेडी हो गया, देख लें फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा है भाई इसका दूर से, ये देखें।
और ये जगह जो आप लोगों को दिख रही है ये हमने खाली छुड़वाई है खुद ही, ताकि यार थोड़ी वेंटिलेशन का क्रॉसिंग रहे, ताकि हवा जो है वो पास आउट होती रहे। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पालें तो फिर कोई भी चीज़ पाल सकते हैं। भाई एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, हमने ये सिर्फ ब्लैकू के लिए नहीं बनवाया, इधर हम और भी कोई भी एनिमल किसी वक्त भी ला सकते हैं, वो सरप्राइज एनिमल होगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल जो है इसका काम स्टार्ट हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ इसका एक गेट लगना है, फिर उसको हम जो है पूरे का पूरा रेडी कर देंगे जब कोई एनिमल लाएंगे। चलो यार पहले तो यार दोस्तों इनको दाना डालें हम अपने जितने भी परिंदे हैं। हाँ हाँ खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ ब्राउनी। यार बहुत भूखा हो रहा है ब्राउनी, देखो उई आप भी आ जाओ मैडम, जल्दी कूद जाओ, 1 2 3 को। यार इसका जो लकवा है ना वो इंशाल्लाह जल्द सेट हो जाए, आप लोग दुआ करो यार इसका जल्द से जल्द सेट हो जाए। फिर से जल्दी जल्दी खा लो भाई, आज हमारे जितने परिंदे ना सेटअप के सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, वो यही देख रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या करवा रहा है ये, इतना सामान आ रहा है एकदम, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ, तो सबके सब बिल्कुल परेशान थे। देख के कहाँ है, कहाँ गया वे? यार दोस्तों हमारा जो कबूतर का बच्चा है ना बिल्ला ले गया। अबे किधर गया, इसको पकड़ो, ये पकड़ो यार तुम, मैं देख कर लाऊं। मैं तुम्हें यार बोल भी रहा था संडा ही, नहीं 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 मैं उनको मना भी कर रहा था, दोस्तों कहाँ है? ये रहा गया, वो खत्म हो गया। अरे यार मैं तुम्हें मना भी कर रहा था यार, नहीं बेटा। अरे बेटा मुझे थोड़ी पता था एकदम इस पे किसने हमला करा है, ये देखा तुम्हें खुद बताओ। अबे यार ये जिंदा है, कहाँ से जिंदा है, गया भाऊ यार, गर्दन ही तोड़ दी उसकी, तो गर्दन इसकी तो तोड़ दी इसने यार, ये देखो ये जगह फाड़ दी। वो कहाँ गया यार, वो बैठा होगा, वो आ गया पीछे, वो देखो फिर से। नहीं 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 रोशन भाई खेल रहे यार, अब इसको करो क्या करना है इसका। यार मुझे दुख हो रहा है, पता नहीं किस गलती से हम यार, मैंने यार वहाँ बैठाना शुरू करा था कि टेम करते हैं, और टेम बोल रहा हूँ इसको, यानी कि दोस्तों सेटअप का थोड़ा टेम करें, यहाँ पे बैठाएं ताकि वहाँ से यूँ घूमता रहे। भाई बिरला आया पूरा, दबोचा ले गया, वो दिखा नहीं है ना यार कितनी स्पीड में आया दोस्तों, मतलब ये लगाए कि हमारे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, उसने तो किसी चीज का टाइम ही नहीं दिया है, और मोबाइल को कौन याद रखता है यार, वीडियो ऑन ना अगर होती व्लॉग चल रहा होता तो दिख भी जाता, उसने टाइम ही नहीं दिया दोस्तों, ऐसे पकड़ा कूदा है और लेके किस तरह इधर से भागा है ना, यूं भागा है सीधा, इधर आए उधर से तुम लेकर आए, और ये उसके मुंह में था, तो शुक्र है हमने वक्त पे छुड़वा लिया, और अब जाके वो बाउंड्री में बैठ गया है कहीं। खैर यार इसको दफना देता हूँ, इसकी बस इसको दफना के आ रहा हूँ मैं, तुम यार सेटअप पे जाओ, मैं इसको खुद दफना के चल दोस्तों। खैर हमने इसको दफना दिया, और हसन भाई काफ़ी सैड हो गए यार, होना भी चाहिए यार, क्योंकि ये हमारे साथ ही हो रहा है, पहले वो मुर्गी मरी उसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर कल हमारा वो मर गया था चूजा, फिर अभी ये हो गया सीन, इसका भाई मर गया, दोस्त मर गया कबूतर, पता नहीं क्या होगा, हमारे सेटअप को लग गई नज़र दोस्तों। हाँ हसन भाई है? दफना दिया यार मैंने, सही कहा यार, वो कहाँ जुगनू, बोला बोला कहाँ यार, इसके चक्कर में ना ये तो दोस्तों पर बने तो ऊपर से ही बच गया, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, गाया कैसे, यहाँ जुगनू बैठा था और यहाँ बैठा था ये चीकू, तो जुगनू जो है वो तोड़ के इधर निकल गया, जब उसने हमला करा बिल्ले ने, बिल्ले ने वहां से हमला करा ऊपर से, यहाँ से कूदते हुए आया जुगनू ऊपर निकल गया उस तरफ, और चीकू बेचारा हाथ में आ गया, यकीन मानो यहाँ से कूदा इससे, यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद जुगनू को चीकू पे हमला करके गर्दन तोड़िए, फिर उस तरफ भागा ये, फिर हम नीचे आए के मैं इधर उधर ढूंढ रहा तो फुरकान को वहाँ मिला, यार समझ ही नहीं आ रहा है यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, यकीन जाने कहाँ से आया, मतलब हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी बहुत फुरकान, और ये जो बिल्ला है ना इसको अब पकड़ना पड़ेगा, इसको यार हमें पकड़ना पड़ेगा, इसने बहुत गंदा हमला करा। हसन भाई जल्दी हो जल्दी हो, बुला ये बिल्ला, ये देखो सुकून से बैठा हुआ है हमारे कबूतर को मार के,
यार इसने यार कसम खुदा की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया यार दोस्तों। यार चीपू गया यार, अब सिर्फ हमारे पास दोस्तों जुगनू रह गया, चीपू गया और डायमंड बचा गया। यार यार मुझे यकीन मानो सोच सोच के ऐसा गुस्सा आ रहा है ना उस वक्त को घोष रहा हूँ जब मैंने इनको बाहर निकाला है और रखा है यहाँ पे। मैंने यार मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन ये नहीं थी कि कहाँ से आएगा ये बिल्ला और कैसे हमला करेगा यार। तो दोस्तों सारे जितने भी परिंदे थे सबको यार खिला पिला के बंद कर दिया है, सिर्फ ये आखिरी खा रहा है हमारा जो असील मुर्गा है बच्चा, वो खा लें। बाकी यार जुगनू माँ सॉरी यार, बहुत बहुत माफ़ कर देना यार, जुगनू का जो पार्टनर था यार वो नहीं रहा और हमें भी नहीं पता था यार, ना जुगनू को पता था कि आज अचानक क्या होगा और ऐसी एकदम से ट्रेजेडी होगी, हमें कुछ भी नहीं इल्म था यार, कसम से बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो यार जुगनू अभी तुम्हें अकेले ही सफ़र करना है, बाकी यार डायमंड थोड़ा बड़ा हो जाए फिर जुगनू के साथ हम डायमंड को छोड़ देंगे। तो खैर से यार दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।